आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फॉर सपोज किसी भी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, चाहे वो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, और वहाँ पे फिर आपको डाउट होता है कि उस काउंसलर का आपको कितने दिन बाद कॉल आएगा, यानी कि जो इंटरव्यूअर था एचआर एंड से या मैनेजर के एंड से, तो सिलेक्शन के लिए बेसिकली नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कितने दिन बाद वो कॉल आता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू के बाद वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आपका सैलरी डिस्कशन होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सैलरी डिस्कशन होता है, तो उस सैलरी का अप्रूवल लेना होता है अपर लेवल मैनेजमेंट से। हो सकता है कई कंपनीज में सीईओ का अप्रूवल होता है, जो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं, वीपी हो गए या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गए उस कंपनी के, या फाइनेंस में हो सकता है कोई जो हेड होते हैं या सीनियर फाइनेंस हेड होते हैं वीपी में, तो हो सकता है उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, इसके बाद वो प्रोसेस होता है। तो इसका जो टोटल टाइम होता है, अब यहाँ पे टाइम इन द सेंस डिपेंड करता है कि कंपनी में प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट हो रहा है। मान लो फॉर सपोज आपने 15 तारीख को किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद क्या होता है कि वो कंपनी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से, मान के चलो आप 22 तारीख से अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो क्लेरिफिकेशन है वो सिर्फ 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड अगर वही प्रोजेक्ट 15 को आपने इंटरव्यू दिया और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट 20 को या नेक्स्ट 25 को या 1 महीने बाद, तो उसमें क्या होता है कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर वो मतलब स्लो वर्क करते हैं, जो वहाँ की एचआर टीम होती है तो वो स्लो वर्क करती है। बट आपके पास जो रिस्पॉन्स है, जो आपका फीड, जो आपके लिए फीडबैक है उस कंपनी एचआर का, वो आपको विद इन 3 to 4 days मिल जाता है, या मैक्सिमम इन 1 week आपके पास फीडबैक आ जाता है। अगर इन केस आपके पास फीडबैक नहीं आया, तो उस कंपनी के एचआर को आप रीच आउट कर सकते हो, उनको उनसे पूछ सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने तक आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहाँ से, तो आप ये समझ लेना कि आपका वहाँ पे रिजेक्शन है, या सेकेंड केस जो उस कंपनी में प्रोजेक्ट आने वाला था वो प्रोजेक्ट होल्ड हो गया है। क्योंकि नॉर्मलीज एक एमएनसी कंपनी में जो प्रोजेक्ट होल्ड होते हैं वो 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन के लिए नहीं होते हैं, वो प्रोजेक्ट होल्ड होते हैं नेक्स्ट 2 months, 3 months या 6 months या 1 year, तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट होल्ड होते हैं। तो जब प्रोजेक्ट होल्ड हो गया उस कंपनी में, तो फिर कैंडिडेट हायर नहीं करते हैं वो, बस आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वहाँ बना के रखेंगे, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट वापस से आएगा तो आपको वापस से वो रीच आउट करते हैं और बोलते हैं आपको ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन हो गए हैं पर्टिकुलर उस कंपनी के लिए वेट करते करते, तो मैं बोलूँगा आप उनको कनेक्ट करो, विद इन 1 week उनसे बात करो और उनसे अपना फीडबैक लो, जो भी है नेगेटिव या पॉजिटिव। इसके बाद में अगर वहाँ से फीडबैक नहीं मिलता स्टिल आपको 1 week तक, तो आपको उसका वेट करके नहीं बैठना है, दूसरी कंपनी में आपको इंटरव्यू देना और वहाँ पे अपना इंटरव्यू क्लियर करना है नेक्स्ट जॉब के लिए। इन द सेंस आपको कभी भी रीच आउट नहीं करेगी अपने एंड से 2, 4, 6 दिन बाद, अगर वो प्रोजेक्ट लॉन्ग होल्ड हो गया तो। बाकी अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, बट वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है 199। एंड अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट या नेटवर्किंग में बेसिक आप जॉब सर्च करो, तो नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको 90-95% इंटरव्यू में वही मिलने वाले हैं। एंड मेरा बेस्ट रिज्यूमे पड़ा हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको जॉब पोर्टल्स पे 100% शॉर्टलिस्ट कराने वाला है। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।